नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लूट मनी में। इस वीडियो में बताऊंगा न्यू खतरनाक लूट, जिससे सभी को फ्री में 20 रुपये से 25 रुपये का पेटीएम कैश बिल्कुल इंस्टेंट मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल इंस्टेंट, एक सेकंड के अंदर। प्लस इस वीडियो में बताऊंगा जिससे आपको फ्री में 350 रुपये से लेकर 3500 रुपये का पेटीएम कैश मिलेगा। ठीक है, सेकेंड वाला एयर ड्रॉप है, फर्स्ट वाला यूनिक लूट है, दोनों ही मिला के यूनिक लूट है। ठीक है, किसी को नहीं पता। ठीक, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूँ, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब आपको बेल आइकन का आइकन दस पे क्लिक कर दीजिए, उससे प्रॉफिट में कोई भी लूट भी डालूं तो सबसे नोटिस पता है। 5 से 10 सेकंड वेट करो, मैं 5-10 सेकंड क्यों वेट करूं, जैसा पता है जो भी लूट है सबसे हमारे चैनल पे आती है, जो कोई दिन सकता है, इसलिए बोल रहा हूं जल्दी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यदि सब्सक्राइब नहीं करा तो आपका लॉस होने वाला है। और यदि हम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने क्या करना पड़ेगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन और सर्च LOOTLOOTMONEY यहां पे क्लिक कर दो, फिर आप नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा, यहां से ज्वाइन कर लेना। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे तो आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा होगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। जैसे आप पता है जो भी लूट आते हैं, कोई लूट के अपडेट आते हैं तो मैं अपने टेन चले बताया। जैसे कि देखो, जो मैंने 5-6 दिन पहले गूगल पे का ऑफर बताया था, 5 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये कैसे मिल रहा था, तो सबको 15 रुपये का मिनिमम प्रॉफिट हो गया, और जो लकी हैं उनको तो ज़्यादा हो गया होगा। ठीक है, और ये बहुत सारी चीज़ आपके अपडेट देता रहता हूँ मैं टेलीग्राम चले, इसलिए मस्ट हमारे टेलीग्राम चले को मस्ट ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और जो भी पेटीएम ट्रिक आते तो ओनली हमारे टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ वो। ठीक है, अब बताऊँ क्या लूट है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। दोनों यूनिक लूट है। ठीक है, फर्स्ट पेटीएम लूट है, सेकंड एयर ड्रॉप है, उसका पेमेंट भी 7 दिन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब बताता हूँ क्या करना। सबसे पहले करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा डिजिटल दुकान ऐप, इसकी लिंक मिलेगी आपको ओनली हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से क्लिक करके तो डाउन करना है। ठीक है, इसमें एक यूनिक ऑफर आया, आपको बता देता हूँ सबको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस ऐप को डाउन करना, डाउन करने के बाद ओपन करना। ओपन करने के बाद देखो, आपको पता है मैंने ऑलरेडी कम से कम 7-10 दिन पहले ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, डिजिटल दुकान के बारे में, और ऑलरेडी 95% लोगों ने रजिस्टर कर लिया। ठीक है, और ये ऑफर ओनली आ रहा है अभी ओल्ड यूज़र के लिए। ठीक, जो मेरी पहले वाली लूट देख के रजिस्टर किया था। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ जो भी लूट दूँ मिस मत किया करो, कि भाई इसमें जो भी न्यू ऑफर है ना उसमें 1 मिनट का काम है और आपको 20 से 25 रुपये का मिल जाएगा पेटीएम बैंक कैश मिल जाएगा। ठीक है, वो भी जितने नंबर उस हिसाब से, 10 नंबर तो 200 रुपये इस हिसाब से। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ भाई, और जो न्यू यूज़र है ना उनके लिए बता दूंगा, वो भी वीडियो देखना पूरी क्या करना है इसमें आगे। ठीक है, उनके लिए बता दूंगा। उसका करना पड़ेगा स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना, एंटर योर व्हाट्सएप नंबर डालना, तो आपका जो डिजिटल दुकान है पहले ओल्ड नंबर था उसको यहाँ पे मतलब एंटर कर दो। जैसे मैं एंटर कर देता हूँ, जैसे कि मैंने ओल्ड नंबर में एंटर कर दिया, एंटर करने का जो मैंने मोबाइल नंबर डाला उस पर एक OTP आएगा। OTP डालने में करना पड़ेगा, मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे कि मैं सक्सेसफुल लॉगिन हो गया मैं अपने डिजिटल दुकान वाले ऐप में। ठीक है, उसका करना पड़ेगा आप अपने जाना सेटिंग वाले। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग वाला आइकन दिख रहा है आपको, 5th नंबर, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये काम सुन, सबसे पहले एडिट माई बिजनेस अकाउंट डिटेल पर क्लिक करना। ठीक है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करना। यदि देखो, सबसे पहले तो अपना बैंक अकाउंट चेक करें, यदि आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं है तो भाई रुपये नहीं आएंगे। इसलिए आप सबसे पहले अपना ओल्ड अकाउंट जो लॉगिन करोगे ना उसमें अपना सबसे पहले बैंक अकाउंट चेक करना कि आपका बैंक अकाउंट ऐड है या नहीं है। देखो, मेरा ऑलरेडी बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐड है। देखो, यदि आपके पास कोई बैंक नहीं है PNB, उसके अलावा स्टेट बैंक या PNB कुछ उसके अलावा, तो आप पेटीएम में ऐड कर सकते हो। देखो, पेटीएम में लेकिन एक दिक्कत आएगी, यदि ज़्यादा सर्वर हो गया ना तो भाई आपका इंस्टेंट पेमेंट नहीं आएगा, इंस्टेंट पेमेंट नहीं आएगा। तो उसमें ऑलरेडी लिख रहा है पेमेंट बैंक हाई फेलर रेट। ठीक, मतलब ज़्यादा रिस्क है, मतलब हाई फेलर, मतलब फेल भी हो सकता है आपका ट्रांजेक्शन। इसलिए यदि आपके पास और बैंक ऐसे PNB हो गया, SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, तो उनको ऐड कर लेना। यदि आपके पास उनमें से कोई बैंक नहीं है ना तो भाई आप फिर इसको पेटीएम बैंक ऐड कर लेना। ठीक है, तो मैं आपको पेटीएम बैंक ऐड करके दिखाया था। यहाँ पर पेटीएम बैंक पर क्लिक करता हूँ, पेटीएम बैंक पे क्लिक करें, यहाँ पर मैं अपनी सब चीज़ डिटेल फिल कर देता हूँ। जैसे कि मैंने सब चीज़ डिटेल फिल कर दी, फिल करने नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करने में सक्सेसफुल ऐड हो जाएगा मेरी बैंक। ठीक है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, थोड़ी देर वेट कर लेना, उसके बाद थोड़ी देर वेरीफाई होगी, उसके बाद आपकी जो पेटीएम बैंक है वो सक्सेसफुल ऐड हो जाएगी। उसके करना पड़ेगा बैक कर दो। ठीक है, बैक करने करना पड़ेगा। अब आ जाओ माय रिवार्ड वाले सेक्शन में। माय रिवार्ड वाले सेक्शन में आने के बाद आपको एक ऑफर देगा। कौन सा ऑफर देगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको देगा कि ऐड 5 आइटम इन कैटलॉग, मतलब आपको 5 आइटम ऐड करने पड़ेंगे तो विन फ्लैट 20 रुपये कैसे मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप 5 आइटम ऐड करो और ओनली 1 मिनट का काम है, मैं आपको बताऊंगा ना इमेज ऐड करें ना कुछ ऐड करना। ठीक है, और तो मैंने आपको इसमें बोला था कि 25 रुपये मिलेंगे, तो 25 रुपये उनको मिलेंगे जिनके में आप ऑप्शन आ रहा है कि ऐड 10 प्रोडक्ट, तो आपको 25 रुपये मिल जाएंगे। यदि आपके में ऑप्शन आ रहा है कि ऐड 5 प्रोडक्ट, तो आपको 20 रुपये मिल जाएंगे। तो मतलब 20 और 25 रुपये में से कुछ एक मिलेगा आपको। ठीक है, तो करना पड़ेगा दोबारा बैक आ जाओ। बैक करने का देखो, आपने पहले 10-15 दिन पहले आपने ऑलरेडी पहले एक प्रोडक्ट ऐड कर रखा था। ठीक है, तो आपको और कैसे प्रोडक्ट ऐड करने, तो यहाँ पे आ जाना, यहाँ पर इस वाले सेक्शन में बीच वाले पे क्लिक करना, बीच वाले पे क्लिक, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना। तो यहाँ पे मेरा पहले से एक प्रोडक्ट ऐड है, तो मुझे अभी करने 4 प्रोडक्ट ऐड और करना है। तो यहाँ पे आइटम नेम मैं कुछ लेता हूँ, ऐसे लेता हूँ चड्डी। ठीक है, यहाँ पे चड्डी लेता हूँ, उसके यहाँ पे प्राइस आपको 204 डालें। उसके बाद कुछ नहीं करना, सेव दिस प्रोडक्ट
क्लिक करना है, ठीक है। ओनली कुछ नहीं करना, ना आपको इमेज ऐड करनी ना कुछ ऐड करना है, बस आपको ऐड कर देना उसको, दोबारा करना है उसके। मैं आप लिख देता हूँ बनियान, ठीक है, आपको ले देता हूँ उसका करना है। यहाँ पे भी कुछ भी लिख दो आइटम 207 का, उसके बाद सेव दिस प्रोडक्ट, उसके बाद दो प्रोडक्ट और ऐड कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ करना पड़ेगा आपको आगे। जैसे कि मैंने चार प्रोडक्ट और ऐड कर लिया, ओनली कुछ नहीं लगा, 30 सेकंड काम था मेरा, ओनली 30 सेकंड का। उसका करना पड़ेगा दोबारा सेटिंग पे आ जाओ, सेटिंग पे आने माय रिवार्ड में आ जाओ। माय रिवार्ड में आने का देखो यहाँ पे आपका आपका जो स्क्रैच कार्ड था 20 रुपये वाला फ्लैट वो अनलॉक हो गया। इस पर क्लिक करके इसको स्क्रैच कर लो, देखो मुझे क्या मिलता है। देखो आपको 20 रुपये फ्लैट मिल जाएंगे, ठीक है। और जिसको मतलब किसी किसी में 10 प्रोडक्ट पे भी आ रहा है तो आप उसको भी कर लेना, ठीक है। और जो ओल्ड यूजर है, सॉरी जो न्यूज़र है ना, तो करना पड़ेगा वो फर्स्ट प्रोडक्ट ऐड करने पर उनको 10 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। और यदि आपको ये वाला ऑफर चाहिए 5 प्रोडक्ट ऐड करने वाला, तो आप 10 दिन, यदि आपके पास 5-10 दिन ओल्ड यूजर हो जाओगे ना आप उस वाले नंबर से, तो आपका ये वाला ऑफर आ जाएगा आपके अकाउंट में, ठीक है। तो मेरे 20 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में आ गए होंगे, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। 12:19 हो रही है, बिल्कुल इंस्टेंट आता है आपके बैंक अकाउंट में, चेक करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि भाई मेरे आज जो मैंने अभी 20 रुपये अर्न करे उसका मेरे आया नहीं बैंक, क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं लास्ट डिजिट गलत कर दी, इसलिए मेरा पेमेंट नहीं आया। लेकिन चलो मैं ओल्ड पेमेंट दिखा देता हूँ। देखो मैंने कम से कम 2 दिन पहले करा था दूसरे नंबर से, तो मुझे इसमें 20 रुपये रिसीव हो गया डॉट पे प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, आपको दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो 20 रुपये मेरे रिसीव हो गए 4 अक्टूबर को 9:15 बजे की रात में, ठीक है। आप बोले चेक कर दो, ठीक है, बस सबका पेमेंट आ जाएगा, बस मैं सही से कर लेना, फिल कर देना, मैंने गलत डिटेल फिल कर दी बैंक की, ठीक है, बस उसमें था। और देखो इस वीडियो में यही नहीं था, अभी और बताऊँगा, ठीक है। आपको सेकंड टाइम पर करना पड़ेगा, ऐप इन्फो में जाओ, ऐसा कर दो क्लियर दोबारा सेम टू सेम क्लोज करनी है, दोबारा दूसरा नंबर लॉगिन करना, लॉगिन करने वाले से सेम बैंक अकाउंट डाल सकते हो, डालना चाहते हो तो, ठीक है। यदि आपका 2-3 बैंक अकाउंट है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका कर लेना ऐड 5 प्रोडक्ट कर लेना, तो 10 प्रोडक्ट कर लेना, तो आपको 20 या 25 रुपये का बैंक कैश मिल जाएगा, ठीक है। अब आती है सेकंड लूट की बारी, जिसमें मिलेगा आपको 350 रुपये से लेकर 3500 रुपये का पेटीएम कैश, लेकिन 7 दिन के अंदर, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना क्या करना पड़ेगा उसमें आपको। लो चलो भाइयों, तो मैं दोबारा प्रूफ देता हूँ। देखो मैंने जो मैं गलत डिटेल डाली थी ना, तो दोबारा मैंने दूसरे बैंक डिटेल डाल दी SBI की, तो मेरे को 20 रुपये रिसीव हो गए 12:33 जस्ट अभी रिसीव हुए हैं 1 मिनट पहले, ठीक है, वीडियो बनाते, ठीक है, दूसरे मोबाइल में, ठीक है, यहाँ पे टाइम देखते हो और बिल्कुल 20 रुपये रिसीव हो गए डॉट पे लिमिटेड के नेम से, आप टाइम भी सब चीज़ दे सकते हो, ठीक है। अब बताता हूँ सेकंड लूट के बाद, बिल्कुल इंस्टेंट पेमेंट है, फर्स्ट लूट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपके पास पेटीएम पेमेंट बैंक में नहीं आता है ना, तो आप चेंज बैंक करके कर लेना, ठीक है। अब करना पड़ेगा दूसरी लूट की बारी आती है, जो सेकंड लूट है उसका मतलब ऑलरेडी बहुत सारे लोग पेमेंट ले चुके हैं, ठीक है। उसका सेकंड मतलब वो नया कैंपेन आया, ठीक है, ऐसे को पता है मैंने 2 दिन पहले मून ड्राइवेट की एक वीडियो बनाई थी, जिसमें आपको मिल रहा था CV टोकन और MRK टोकन, लेकिन ज़्यादा यूजर के चक्कर में उन्होंने CV टोकन डिस्ट्रीब्यूट करें, MRK टोकन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें, इसलिए अब उन्होंने MRK टोकन डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिए। कैसे स्टार्ट करना है वो सुन लो, ठीक है। आप तो इस फॉर्म की लिंक मिलेगी आपको ओनली हमारे टेलीग्राम चैनल, वहाँ से ज्वाइन होकर इस फॉर्म को मिल जाएगा, ठीक है। उसे करना पड़ेगा इस फॉर्म पर आओगे, जिसमें आप पढ़ सकते हो क्या लगना है, क्रिएट है प्रमोशन इमेज और वीडियो फॉर मून ड्राइवेट, मतलब आपको प्रमोशनल इमेज बनानी है या वीडियो बनानी है मून ड्राइवेट के ऊपर, तो आपको MRK टोकन मिल जाएगा। तो मिनिमम MRK टोकन कितने मिलेंगे, 0.05, जिसकी वैल्यू है भैया आपको 175 TR, जिसकी वैल्यू है 350 रुपये करीब, ठीक है। और मैक्सिमम रिवार्ड है 100 MRK, और जिसकी वैल्यू है 3,33,000 TR से, लेकिन ये छोड़ो 100 MRK बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, छोड़ो मैं तो ओनली 350 रुपये से लेकर 3,500 रुपये के बीच में लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। मिनिमम 350, मैक्सिमम 3,500, ठीक है। तो कैसे करना पड़ेगा आपको प्रमोशनल इमेज बताता हूँ कैसे बनानी पड़ेगी, वही मेन चीज़ है, ठीक है। उसका आपको बता दूँगा आगे कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले आप इनके मतलब ऑफिशियल ग्रुप में जाके आप पढ़ सकते हो, इनका कल अनाउंसमेंट आया था जब इनने वो एंड कर दिया दूसरा एयर ड्रॉप, CV वाला एयर ड्रॉप एंड कर दिया था, तो ये वाला एयर ड्रॉप ये लिया है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ सकते हो क्रिएटर प्रमोशनल इमेज, वही सेम फॉर्म जैसी है, तो आप कैसे करना है। और आप इनके बहुत सारी देख भी सकते हो, बहुत सारे लोगों ने बनाए भी प्रमोशनल इमेज, आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो कम से कम हज़ारों में आपको मिल जाएंगे प्रमोशनल इमेज, जैसे किसने ये बनाए इमेज, मतलब बहुत सारे लोगों ने बनाए, बहुत सारे गुड प्रोजेक्ट, ऐसे ऐसे करके आपको अपने मन से बनाना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप बनाए ना बिल्कुल 5 से 10 मिनट काम है, वैसे आपको थोड़ा सा बनाना सिखा देता हूँ कैसे आपको बनाना है और किस ऐप से आपको बनाना है, ठीक है। आपको बहुत सारी इमेज मिल जाएगी इसमें प्रमोशनल इमेज, जिससे आप उसको हिंट लेकर तो थोड़ा बहुत देख देख के बना सकते हो आप इनको कैसे कैसे ये लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो आप इनके ग्रुप में जाकर देख सकते हो, ठीक है। उसका करना पड़ेगा आपको बता देता हूँ कैसे इमेज बनानी है, ठीक है। सबसे पहले तो इमेज बनाने के लिए प्रमोशनल इमेज बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी पिक्सल लैब की, जिसकी लिंक मिलेगी आपको ओनली हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ओनली 3 से 4 मिनट का ट्यूटोरियल दूंगा कि कैसे बनानी है, क्योंकि भाई बहुत लंबा ट्यूटोरियल हो जाता है, वैसे आपको 10-15 मिनट आपकी
आपकी प्रमोशनल इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो करना पड़ेगा पिक्सल लैब में जाना है। पिक्सल लैब में जाने का करना पड़ेगा, आपको आगे बताता हूँ। पिक्सल लैब में जाने के बाद आपके ये वाला इंटरफेस आएगा, मतलब ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद थर्ड नंबर पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने सबसे पहले तो अपनी इमेज साइज ले लो किसी, ठीक है, इमेज साइज कुछ भी सेलेक्ट कर लो, जैसे कि स्क्वायर प्रोफाइल पिक्चर। मेरे सजेशन ये यूट्यूब थंबनेल बेस्ट रहता है। ठीक है, तो यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक कर दो। उसके बाद जो ये टेक्स्ट है इसको डिलीट कर दो। यहाँ पर डिब्बा वाला एक है ना, डिब्बा वाला डिलीट कर, इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर दो। उसके बाद आपको बैकग्राउंड में ये बैकग्राउंड आपका अच्छा लग रहा, तो इसको क्लिक करके यहाँ पे कलर पे क्लिक करके मेरा बैकग्राउंड मतलब पसंद है मुझे ब्लैक, तो ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, ब्लैक अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसका करना पड़ेगा आपको बताता हूँ, उसके करना पड़ेगा आपको थोड़ी सी अट्रैक्टिव बनाने में। ठीक है, अट्रैक्टिव बनाने का करना पड़ेगा यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ दिखोगे ना, 5-10 मिनट दिखोगे तो आपको समझ में आ सकेगी। तो मैं शेप पे क्लिक करता हूँ। शेप पे क्लिक, यहाँ पे जो आपकी शेप मिली है फर्स्ट नंबर पर, इसको यहाँ पे कोने कोने में, चारों कोने पर लगा देता हूँ, टिक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोबारा इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कैसे करनी है इसको, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक, यहाँ पे पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करना, उसके यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करना। यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करना तो ये कॉपी आपकी हो जाएगी। तो चार कॉपी बना लो। चार कॉपी क्यों बनानी, क्योंकि हमको इसको कोने कोने में सेट करना है, बिल्कुल अच्छी तरह से कोने में सेट करते हैं। मैं चारों कोने में सेट कर देता हूँ, तो सेट कर दिया। उसके बाद लास्ट सेट हो दी चौथी। ठीक है, यहाँ पे आपको बिल्कुल आपको अच्छी तरह से आपको मतलब अच्छी एक्ट्रेक्टिव बनानी है। उसके यहाँ पे इस पर क्लिक करके इसकी मतलब स्ट्रोक भी ला सकते हो। ठीक है, स्ट्रोक कैसे मिलेंगे आपको और भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वैसे आपको ट्यूटोरियल जानना है ना तो भाई बहुत सारी यूट्यूब वीडियो दिख जाएंगी, तो आपको उससे भी जाकर देख सकते हो। ठीक है, स्ट्रोक लगाता हूँ चारों में। ठीक है, यहाँ पे ये वाला स्ट्रोक लगाता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे करता हूँ, ये स्ट्रोक लग जाए, इसे मैं चारों में लगा देता हूँ। जैसे कि मैंने स्ट्रोक ला दी, स्ट्रोक लाने के बाद अब आपको चाहिए इमेज। इमेज कैसे मिलेगी, इन चारों की इमेज जो चार मेन है ना, एक तो ये वाला है मून रैबिट वाला, और एक ये हट वाला मतलब टोकन का नाम, टोकन का लोगो, उसके ये रैबिट वाला, उसके बाद ये मरके वाला। ठीक है, इनकी चारों की मिल जाएगी इमेज आपको ओनली हमारे टेंज लाइव। तीनों बहुत सारी लिंक मिलेगी, एक तो डॉक्स की मिलेगी मतलब गूगल फॉर्म की, उसके चार इमेज की, उसके डिजिटल दुकान की। ठीक है, आप उसका करना पड़ेगा उसका, और अपडेट भी दे दूंगा। ठीक है, जो भी कुछ अपडेट होगा तो उसका करना पड़ेगा। लिंक पर क्लिक करेंगे जो इमेज है, इस पर क्लिक करके सेव टू गैलरी पर क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी में सेव हो जाएंगे। उसका पिक्सल लैब में आ जाना। पिक्सल लैब में आने का अब इन इमेज को यहाँ पे अटैच कर दें, यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करें, उसका फ्रॉम गैलरी में से लेकर इस इमेज को अटैच कर, इसे मैं ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने सबसे पहले ये वाली इमेज ले ली मून रैबिट की, तो इसको यहाँ मैं लगाता हूँ बीच में। ठीक, आप अपने हिसाब से बना सकते हो जो आपका मन कह रहा है। ठीक है, मतलब ओनली 10 से 15 मिनट लगेगी और आपको नॉलेज भी थोड़ी सी बढ़ेगी इसमें। ठीक है, और उसके करना पड़ेगा, इसको मैं लगाता हूँ। उसका करना पड़ेगा यहाँ पर कुछ भी लिख दो, ऐसे ऊपर गुड प्रोजेक्ट लिख दो, नीचे लिखता हूँ नीचे स्टेक एन आर रिवार्ड। ठीक है, कुछ ही अपनी मर्जी ले सकते हो, और आपको हिंट चाहिए तो आप उनके ग्रुप में जाके, बहुत सारे बहुतों लोगों ने बनाया तो उनको भी देख सकते हो, ऐसे मैं लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने ये लिख दिया, ठीक है, स्टेक एन आर रिवार्ड, इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने का सबसे पहले इसमें आपको चेंज कर लेना है, यहाँ पे फॉन्ट चेंज करना है, तो फॉन्ट मैं ले लेता हूँ इसमें अमरनाथ बोल्ड। ठीक है, इस पर क्लिक करके उसमें बैकग्राउंड में भी आप सेलेक्ट करना कुछ अच्छा सा कलर, बैकग्राउंड पर क्लिक करता हूँ, इसको इनेबल करता हूँ, तो बैकग्राउंड में मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया। उसके बाद मैं स्ट्रोक लगाता हूँ इसमें, ठीक है, जिससे आपके बैकग्राउंड मतलब जो आपका आगे बीच होता है स्टेक या स्ट्रोक में भी बिल्कुल अच्छा लगने लग गया। ठीक है, अब करना पड़ेगा ये आपको लिखना कैसे, प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना, टेक्स्ट पर क्लिक करना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, उसका पेंसिल वाले पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जो भी लिखना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गुड प्रोजेक्ट। ठीक है, नीचे तो मैंने स्टेक अर्न रिवार्ड लिख दिया, और ऊपर ले देता हूँ मैं गुड प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पर गुड प्रोजेक्ट देता हूँ, उसमें भी यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे कलर लगा देता हूँ। अब जैसे कि मैंने ऊपर गुड प्रोजेक्ट लिख दिया, ठीक है, अब आपको करना और भी अट्रैक्टिव बनाने का करना पड़ेगा। यहाँ पे इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करने का यहाँ पे आपको स्टिकर दिख रहे होंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने आपको स्टिकर दिख रहे होंगे, तो स्टिकर पर क्लिक करो। स्टिकर पर क्लिक करने को सेकंड वाला स्टिकर बहुत अच्छा लगता है, तो उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको छोटा कर लो। ठीक है, छोटा करने का यहाँ पे अलग थोड़ा बहुत साइड वाइड में लगा दो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखाता हूँ मैं कैसे लगाना है। एक तो यहाँ पे लगा दो, उसका दोबारा इसको कॉपी कर लो, कॉपी करने इसको यहाँ पे लगा दो। ठीक है, मतलब अच्छी तरह से लगना चाहिए, उसको यहाँ पे लगा दो। ठीक है, तो ये अट्रैक्टिव लगने लगा, तो मैं ला देता हूँ इसको। जैसे कि मैंने दोनों तरफ ला दी, तो देखो देखो अब कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत अच्छा लगने लग गया। ठीक है, उसका करना पड़ेगा, आप जो आपकी जो साइड रह गई ना, इसमें क्या लगाना है, जो मैं तीन चार आपको इमेज दी ना उसमें लगा दो। जैसे मैं इस वाले में यहाँ पे दोनों इमेज ला देता हूँ। ठीक है, आपको बताता हूँ कौन सी मैं यहाँ पे इमेज अपलोड करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे रैबिट की इमेज ले ली, ठीक है, यहाँ पे रैबिट की इमेज ले ली, तो रैबिट को यहाँ पे छोटा कर देता हूँ। छोटा करने में बिल्कुल बीच में लाया था हूँ। ठीक है, यहाँ पे अच्छा लगने लग गया, उसके इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने इसको इसको भी यहाँ पे साइड में लाया था। ठीक है, अब आपकी चारों साइड रह गई। ठीक है, ये जो आपकी चारों चीज़ रह गई, इसमें भी आपको कुछ लगा देना है, इसमें इसमें भी लगा देता हूँ। जैसे कि मैंने एम आर के का लोगो ले लिया, ठीक है, तो एम आर के का लोगो यहाँ पे इसको फिक्स कर देता हूँ। फिक्स करने के इसमें भी स्ट्रोक लगाना चाहते हो तो इससे अच्छा लगा, अच्छा लगने लगे तो स्ट्रोक इसमें लगा दो। यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक करो, उसको इनेबल करो, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे विड्थ बढ़ा दो, इसकी कलर लगा के देख, इसमें इसमें बढ़ा देता हूँ। ठीक है, उसके इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके उसको तिरछा लगा दो, मतलब टेढ़ा लगा दो। ठीक है, यहाँ पे इसको लगा दो, उसके बाद आपको सी वी का लोगो लगा दो यहाँ पे दोनों साइड, ऐसे मैं लगा देता हूँ।
जैसे कि मैं सी वी का लोगो ला दिया, इसमें भी स्ट्रोक लाया था, थोड़ा बहुत आगे पीछे करता हूँ, यहाँ पे इस वाले कलर को ले लेता हूँ, थोड़े से इसमें आगे पीछे करता हूँ, ठीक है। इसमें ला लिया, इसको भी दोबारा कॉपी करके इसको भी तिर से यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो कितना अच्छा लगने लगे, ठीक है। अब तो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप दिख रहा है ना, अच्छा दिख रहा है बिल्कुल। और अपना अच्छी तरह से मैनेज करके लगा देना, और जो भी कुछ लिखना चाहते हो आप अपने हिसाब से कर देना, ठीक है। आपको सेव कैसे करना है, इस वाले पे क्लिक करना है, इस वाले पे क्लिक करने के बाद आपका आ जाएगा सेव एज इमेज। तो सेव एज इमेज पे क्लिक करना, तो हाई क्वालिटी पे कर देना, उसके बाद सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना, तो आपकी इमेज गैलरी में सेव हो जाएगी, ठीक है। उसका एक ऐड आएगा, सो बैक कर देना। अब क्या करना पड़ेगा, अब आपका आता है मेन काम। अब आप आ जाओ दोबारा अपने फॉर्म में, फॉर्म में आएगा यू ट्यूटर अकाउंट में, ट्यूटर अकाउंट में जहाँ पे आप ट्यूट करोगे इनको, स्क्वायरी यूजर नेम देते, मैं इस वाले एट द रेट लाके यूजर नेम देता हूँ, आपको पता है कैसे देना। उसके टेलीग्राम अकाउंट में एट द रेट लाके अपना यूजर नेम देता हूँ, उसके बाद एड फाइल में क्लिक करके मैं अपनी जो फाइल है मेरी, जो कौन सी मतलब जो प्रोजेक्ट बनाया मैंने, प्रमोशनल इमेज बनाई है पिक्सल लैब से, उसको भी मैं दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने अपलोड पे क्लिक किया, अपलोड पे क्लिक करने में आप इस फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जो मेरी मैंने बनाई है पिक्सल लैब से इमेज, उसको मैं अपलोड कर लेता हूँ, उसके अपलोड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अपलोड पे क्लिक करने में सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगी फाइल मेरी। उसके करना पड़ेगा, यू ट्विटर अकाउंट में भी लिख दिया मैंने और यू टेलीग्राम अकाउंट भी लिख दिया। उसका वीडियो लिंक्स तो कुछ देने नहीं है, वीडियो लिंक इसलिए देने क्योंकि हमको इसमें एक चीज़ बनानी है, एक तो आप इमेज बना सकते हो, नहीं तो वीडियो बना सकते हो, ठीक है। तो हमको वीडियो लिंक तो देने नहीं है। उसका करना पड़ेगा, व्हाट अदर स्किल डू यू हैव, ठीक है। तो आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, वैसे ये मैंडेटरी नहीं है तो मैं इसमें लिखता नहीं हूँ कुछ भी, ठीक है। आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो कि भैया मैं और भी बना सकता हूँ, इंग्लिश में लिख दो कि मैं और भी अच्छी अच्छी बना सकता हूँ इमेज, ठीक है। मतलब प्रमोशन इमेज बना सकता हूँ आपके लिए, तो आप लिख सकते हो। उसका यू टी आर एक्स एड्रेस में क्या करना है, यू टी आर एक्स एड्रेस में जाना दोबारा अपना ट्रॉन लिंक प्रो में, तो ट्रॉन लिंक प्रो का टी आर एक्स एड्रेस डालें और किसी का टी आर एक्स एड्रेस मत डाल देना, ठीक है। तो ट्रॉन लिंक प्रो का राजू जी पे क्लिक करता हूँ, उसके यहाँ पे एड्रेस पे कॉपी करता हूँ, एड्रेस पे कॉपी करने में दोबारा जाता हूँ अपने मेरे पहले ब्राउजर में, उसके जो मेरा एड्रेस उसको करते हैं वहाँ पे पेस्ट, पेस्ट करें, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करें, मेरा सक्सेसफुल फॉर्म हो गया सबमिट, ठीक है। आपको फॉर्म सबमिट कर देना, तो फॉर्म सबमिट होने वाला आप काम हो करता हूँ। उसके बाद इनको ट्विटर पे भी फॉलो कर, ट्विटर पे आपको रीट्वीट कर देना, ठीक है। ट्विटर पे कैसे रीट्वीट करना है आपको बताता हूँ, यहाँ पे ट्विटर में आ जाना, उसके जो आपने फॉलो कर रखा है पहले दो दिन पहले, तो मून रैबिट यहाँ पे सर्च कर देना है। मून रैबिट सर्च करने का करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ये इनकी पिन पोस्ट दिख जाएगी, तो क्या करना पड़ेगा इसको रीट्वीट कर दो, रीट्वीट करके इनकी जो आपकी इमेज है, ठीक है, जो आपकी इमेज यहाँ पे ली है उसको यहाँ पे अपलोड कर दो। इसमें अपलोड कर देता हूँ, जैसे कि मैंने बनाई थी पिक्सल है, सो वो मैं अपलोड कर दी, उसका कुछ भी आप लिख दो, ठीक है। नाइस प्रोजेक्ट कुछ भी जो लिखना चाहते हो अपनी मर्जी से बोले दो, उसके रीट्वीट पे क्लिक कर दो, रीट्वीट पे क्लिक कर आपका सक्सेसफुल रीट्वीट हो जाएगा। उसका करना पड़ेगा, जो आपकी लिंक आएगी ना यहाँ पे यू ट्वीट बाय सेंड, उस पर व्यू पे क्लिक करना, व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी लिंक आ जाएगी, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे कॉपी लिंक टू ट्वीट पे क्लिक करना। उसके बाद बस आपका सेकंड काम ये हो गया था। अब थर्ड काम आता है, बस इनको जो आपका मून रैबिट का ग्रुप है ना, इनका मून रैबिट ग्रुप है, इस पर क्लिक करके इनको यहाँ पे भेज दो, ठीक है। आप इनको भेज दो यहाँ पे, इस पर अपलोड करके इनको लिंक पे भेज दो, ठीक है। काम हो गया था, बस आपको तीन काम करना है, एक तो फॉर्म फिल करना है, एक फॉर्म फिल करना है आपको, और एक क्या करना है आपको यहाँ पे रिट्यूट करना है, उसके बाद इनको ग्रुप में इनको भेज देना है कॉपी लिंक करके, ठीक है। बस आपका काम हो गया था, और आपका रिवार्ड आ जाएगा 7 दिन के अंदर, जब ये मतलब अपना चालू करेंगे, जब ये एंड कर देंगे। वैसे पहले वाला तो 1 दिन में आ गया था, लेकिन इसका 7 दिन मैक्सिमम टाइम 7 दिन बता रहा हूँ, तो आपका आ जाएगा, ठीक है। और आप अपने हिसाब से अच्छी तरह से बना सकते हो, मैंने आपके सामने लाइव दिखाया बस में था, और पिज़्ज़ा लाइक कर देना, लाइक में रखता हूँ 1400 रुपये लाइक, पिज़्ज़ा करते नहीं हो, 2 दिन से कर नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया था, नहीं कर दिया करो, इतनी अच्छी चीज़ लूट लाता हूँ, इंस्टेंट पेमेंट की लूट भी दी मैंने आपको, ठीक है। बस इस वीडियो में था, थैंक यू।